बलौदाबाजार जिले के हिरमी सीमेंट प्लांट में अचानक एक जोरदार धमाका होने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई तथा 2 घायल बताए जा रहे हैं। घटना की पुष्टि बलौदाबाजार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने की। उन्होंने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब वहां काम चल रहा था। इस दौरान एक जोरदार धमाका हुआ और यह धमाका बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। देखिए इस पर बलौदाबाजार से हमारे विशेष संवाददाता चंद्रकांत वर्मा की यह खास रिपोर्ट। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब वहाँ रोज की तरह काम चल रहा था। इसी दौरान एक ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वहाँ काम कर रहे 3 मजदूरों के शरीरों के चीथड़े उड़ गए। इसके अलावा 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ अल्ट्राटेक सीमेंट के गेट पर बाकी के मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के वहां पुलिस बल मौजूद है। जानकारी प्राप्त हुई है, सुमेला थाना क्षेत्र अंतर्गत अल्ट्राटेक हिरमी प्लांट में आज दोपहर 3 बजे के लगभग एक हादसा हो गया। बताया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में संभवतः ब्लास्ट के कारण एक घटना घटित हुई है, जिसमें 3 व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया था, जो कि अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि तीनों की मृत्यु हो गई है और इसमें और घायलों के संबंध में जानकारी ली जा रही है। और पुलिस फोर्स वहाँ पुलिस स्टेशन से वहाँ पे और यहाँ हेडक्वार्टर से प्लांट को भेज दिया गया है। अभी स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त संख्या में बल को वहाँ पर मौजूद रहने बताया गया है। सर, घटना कैसे घटी, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी आई? अभी तो जानकारी मिली है वो ऑक्सीजन सिलेंडर संभवतः लोडिंग या अनलोडिंग कुछ कर रहे थे, जिसमें जिस कारण से वहाँ पे जो मौजूद थे जो लोग काम कर रहे थे, संभवतः ये हाउसकीपिंग वगैरह कर रहे थे, जो किसी कारण से वहाँ पे हादसा हो गया और ऐसी घटना घटी है। अभी पूरी जाँच के बाद ही हम उसमें हमारी जाँच के बाद ही पता पाएंगे इसमें क्या कार्रवाई, कैसे घटना घटी। इसमें कितने लोग और बढ़ सकते हैं सर, क्या है ऐसे कुछ? अब इसके संबंध में और जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी ली जाएगी।